तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को साइट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और घंटी ज़रूर बजा देना। उसके बाद लाइक कमेंट शेयर जितना चाहो उतना कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रेक्टेंगुलर का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो दोस्तों मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक मेरा प्लॉट है, प्लॉट की लेंथ है 100 फिट और विड्थ है 40 फुट 6 इंच। इसमें क्या है, हमारा ये रोड है, दोनों साइड से रोड गया है इसका। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ प्लॉट हमारा होता है लेंथ इंटू विड्थ। ये रेक्टेंगुलर का एरिया होता है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ हमारी 100 फिट है, 100 फिट लिख दिया हमने, विड्थ हमारी 40 फिट 6 इंचेस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 100 फिट 40 फिट 6 इंचेस, इसके बाद हम 100 फिट को 100 फिट लिख देंगे। उसके बाद 40 फिट और 6 इंचेस का हम ये देखते हैं आगे, 6 इंचेस को कैसे करके लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 6 इंचेस जो होती है, हम कुछ लोग क्या करते हैं 6 इंचेस को डायरेक्ट 6.6 जैसे 40.6 इंचेस है, इसको कुछ लोग 40.60 लिख देते हैं, तो वो हमें नहीं करना, उससे क्या है गलत हो जाएगा। तो हमें 40.6 इंचेस को हमें कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों देखो ये हमारा एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। हमें क्या करना है, 6 इंचेस का निकालना है, 6 इंचेस को ऊपर रखेंगे और नीचे 12 इंचेस। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.50 आएगा, 0.50 हमने 6 इंचेस की जगह यहाँ लिख दिया, कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके एरिया 4050 स्क्वायर फीट आ गया, ये हमारा प्लॉट का एरिया निकल कर आ गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप देखते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने ये दूसरा बनाया है, उसमें देखिए क्या करना होता है। ये हमारा दोस्तों रोड है, एक रोड यह है, एक रोड यह है। इसमें हमारे प्लॉट वन है, B1, प्लॉट B2, प्लॉट B3, प्लॉट B4, ये दोस्तों चार प्लॉट हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लॉट का हम लेते हैं, प्लॉट B3 जो कॉर्नर में है। इसकी हमारी क्या है, लेंथ है 23 फुट 6 इंचेस और विड्थ है 16 फिट 9 इंचेस, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया निकालते हैं, प्लॉट B3 ? इसके बाद ये हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है, इसकी डायमेंशन है। उसके बाद हम एरिया प्लॉट का वही फार्मूला, लेंथ इंटू विड्थ। इसके बाद हमारी लेंथ है 23 फिट 6 इंचेस, तो हमने 23 फिट 6 इंचेस लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद हमारा 16 फिट 9 इंचेस हमारी विड्थ है, तो विड्थ भी हमने वैसे लिख दी। इसके बाद दोस्तों 23 फुट 6 इंचेस को हमने 23.6 इंच और 16.6 ये नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, वो ये गलत हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूँ कैसे करके लिखना, चेंज कैसे करते हैं इंचेस को। तो दोस्तों ये हमारे क्या, एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस को हम कन्वर्ट करेंगे 6 इंचेस / 12 इंचेस को अगर हम डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखो दोस्तों, कितने भी इंचेस आ जाएं, 1 से लेके 12 तक, कितने भी बीच में यहाँ पर फिट के बाद इंचेस, जैसे 16 फिट 9 इंचेस आ गया, तो ये 1 से 12 के बीच 9 इंचेस आ गया, 8 होता 7 होता कुछ भी होता, तो हम जो जिसको निकालना होता लास्ट वाले को, हम 6 इंचेस या 7 8 जो भी होता ऊपर रखते हैं और 12 से हमेशा डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट के और सीधे 0.50 आ गया, या क्या इसकी हिसाब से हम 9 इंचेस का भी निकाल लेते हैं, 9 इंचेस का 0.75। तो इसी तरीके से ये वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट कर देते हैं, 23 फिट 6 इंचेस को हम 23.6 ना लिख के, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 23 फुट 6 इंचेस की 23.50 हो गया और 16 फुट 9 इंचेस 16.75 हो गया। इसके बाद हम दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा एरिया आ गया स्क्वायर फीट में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी ज़रूर बजा देना साइट एक्सपर्ट चैनल को। और हाँ,